चुनाव से पहले बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। दिग्गज मैदान में है। पौड़ी में नामांकन जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान अनिल बलूनी ने जनसभा को संबोधित और कई अहम बातें कही। इस खास मौके पर पार्टी के तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी राय भी रखी। आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो पसीना आप लोग बहा रहे हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। इस भूमि को देव भूमि दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने नागराम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा? आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है और आज शांति से एक मुद्रा में यहाँ पर धंधा बैठा है। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें दो सांसद होते थे और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार। एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ सम्पन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, उस दिन हम सब लोगों की दिवाली होगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाएंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।